करोड़ों के लैपटॉप चोरी मामले में ट्रांसपोर्टर गिरफ्तार। मेवात क्राइम ब्रांच ने ट्रांसपोर्टर हथीन के रहने वाले यूसुफ को गिरफ्तार कर किया करोड़ों के लैपटॉप चोरी मामले का किया खुलासा। लेनोवा कंपनी के 8 करोड़ कीमत के 1294 लैपटॉप चोरी मामले में किया गया गिरफ्तार। हथीन के रहने वाले ट्रांसपोर्टर ने रची थी नियामत और नईम के साथ मिल करोड़ों के लैपटॉप चोरी की साजिश। बीती 22 मई को रेड के दौरान लैपटॉप के खाली बैग और ट्रक को क्राइम ब्रांच ने किया था बरामद और कल देर रात हथीन के रहने वाले ट्रांसपोर्टर को गिरफ्तार कर बाकी आरोपियों की तलाश में की जा रही है छापेमारी। गौरतलब है कि ब्लू डॉट कंपनी चेन्नई के वेयरहाउस से ट्रक में लेनोवा कंपनी के 3824 लैपटॉप भरकर चले थे गुरुग्राम के लिए। ट्रांसपोर्टर निकलेगा करोड़ों की चोरी का मास्टरमाइंड, यह शायद किसी ने सोचा नहीं था। जी हां, मेवात क्राइम ब्रांच ने 8 करोड़ के लैपटॉप चोरी मामले में हथीन के रहने वाले यूसुफ नाम के ट्रांसपोर्टर को गिरफ्तार किया है। यूसुफ पर आरोप है कि इसने अपने अन्य साथियों नियामत और नईम के साथ मिल लेनोवा कंपनी के करोड़ों के लैपटॉप को रास्ते से ही अपने ट्रक में लोड कर मेवात के रायपुरी गाँव में लाकर ठिकाने लगाने में लगा था कि तभी क्राइम ब्रांच ने रेड कर मामले का खुलासा कर दिया। दरअसल मेवात क्राइम ब्रांच को सूचना मिली थी कि नू सदर थाना इलाका क्षेत्र के रायपुरी गांव में लिनोवो कंपनी के लैपटॉप की डिलीवरी की जा रही है और यह सभी लैपटॉप चोरी के हैं। क्राइम ब्रांच ने मुखबिर खास की सूचना पर रायपुरी इलाके में रेड कर 8 करोड़ की कीमत के 1294 लैपटॉप और ट्रक को मौके से बरामद किया। एसपी मेवात वरुण सिंगला की माने तो नियामत और नईम अंधेरे का फायदा उठा मौके से फरार हो गए, लेकिन क्राइम ब्रांच ने ट्रक के नंबर के आधार पर जब तफ्तीश शुरू की तो हथीन के रहने वाले यूसुफ नाम के ट्रांसपोर्टर को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा कर दिया। वही मेवात पुलिस ने वारदात में शामिल नियामत और नईम के साथ ट्रक ड्राइवर की तलाश भी शुरू कर दी है और ट्रांसपोर्टर यूसुफ की क्राइम कुंडली को खंगालना शुरू कर दिया है। जी, दिनांक 22 मई 2022 को हमारी CIA शाखा नूह को गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि नियामत पुत्र खान मोहम्मद निवासी रायपुरी और नईम पुत्र हनीफ निवासी हुंचपुरी कला थाना हथीन ने मिलकर गाड़ी चालक व गाड़ी मालिक के शह पर कंपनी की गाड़ी से काफ़ी मात्रा में कहीं से लैपटॉप चोरी करके गाड़ी ट्रक में भरकर लाए हैं और इस समय शाहिद पुत्र सुलाउद्दीन और सुजा निवासी रायपुरी नूह के खाली प्लॉट में चार दीवारी के अंदर गाड़ी के अंदर भरे हुए लैपटॉपों को खाली कर रहे हैं। जिस सूचना पर सहायक उप निरीक्षक राजेश कुमार के नेतृत्व में टीम गठित ने उक्त स्थान पर दबिश की और दबिश के दौरान आरोपी मौका से अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब हुए। मौका पर गाड़ी ट्रक नंबर RJ14GK515134 में गत्ता के डिब्बे में भरे हुए मिले। वो कुछ गत्ता के डिब्बे जमीन पर रखे हुए मिले, जिनमें से एक गत्ते के डिब्बे में खोलकर चेक किया तो उसमें लेनोवो कंपनी का एक लैपटॉप बरामद हुआ। सभी लेनोवो कंपनी के लैपटॉपों को गिनती करने पर कुल 1294 गत्ता पैक लैपटॉप बरामद हुए हैं, जिनकी कीमत करीब 8 करोड़ आकी जा रही है, जो उन पर MRP लिखा हुआ है उसके हिसाब से। जिस संबंध में थाना सदर नूह में संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज करके रजिस्टर करके मुकदमा की गहनता से जाँच शुरू की गई। इस संबंध में 24 मई 2022 यानी कि आज को गुप्त सूचना के आधार पर गांव अडबर हथीन मोड़ से आरोपी यूसुफ उर्फ नबी पुत्र कमरुद्दीन निवासी सापन की थाना हथीन जिला पलवल को CIA नूह की टीम ने गिरफ्तार किया है और इस संबंध में इनका हमने एक दिन का पुलिस रिमांड हासिल किया है और इसमें गहनता से पूछताछ जारी है कि ये लैपटॉप कैसे, उन्होंने कहाँ से प्लानिंग की है और इस वारदात में अन्य कौन कौन लोग शामिल हैं, इस पूरे गिरोह का हम इसका पर्दाफाश करेंगे। फिलहाल हमने जो धाराएं लगाई हैं वो चोरी और स्टोलन प्रॉपर्टी को रखने का जो इन पे आरोप है उन धाराओं के तहत हम इनको गिरफ्तार कर रहे हैं। तो हमारी जो मुखबर टीम होती है उसके तहत पे हमें मुखबरी मिली, गुप्त सूचना मिली जिसके ऊपर ये रेड की गई थी। इस संबंध में एक ये जो लैपटॉप थे ये चेन्नई से चले थे गुड़गांव के लिए और इसमें बीच रास्ते में इन्होंने साठगांठ करके जिस ट्रक में आ रहे थे और महाराष्ट्र के वर्धा डिस्ट्रिक्ट के आसपास इन्होंने इस ट्रक से माल अपने ट्रक में डाल लिया, जिसमें दोनों ट्रक वालों की सहमति थी और आपस में इनका एक साजिश के तहत इन्होंने काम किया था। तो वहाँ पर वर्धा पुलिस ने भी इस मुकदमा दर्ज किया है इसके अंदर इस विषय में और हमारे यहाँ पे क्योंकि हमारे पास चोरी हुआ माल बरामद हुआ तो हमारी तरफ से भी एक मुकदमा दर्ज किया गया और हमारी तरफ से गिरफ्तारी जारी है। तो अब जो ये केस प्रॉपर्टी है ये
जो है संबंधित वर्धा पुलिस उसमें अपना इसकी डिमांड करेगी थ्रू कोर्ट, और जो मालिक है इसकी सुपरताली लगाएगा उनको मिल जाएगी कोर्ट के ऑर्डर से।